अमित शाह एक ऐसी शख्सियत है जो बीजेपी में कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। उनकी धमक पड़ोसी मुल्क में तो तहलका मचा ही रही है और साथ ही विपक्षी खेमे में भी हलचल जबरदस्त है। आपको बता दें कि अमित शाह आज कोलकाता में है। जी हाँ, ममता दीदी के गढ़ में, जहाँ बीजेपी अपनी सेंध लगा चुकी है, जिसका नतीजा ये है कि टीएमसी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और अब जब अमित शाह ने कोलकाता की धरती पर कदम रखा तो ममता दीदी के तो होश उड़ गए होंगे, क्योंकि ममता दीदी को एक और बड़ा झटका लग चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ममता दीदी के गढ़ में सेंध तो भाजपा पहले ही लगा चुकी है, और अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ममता दीदी के होश उड़े हुए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के दिग्गज नेता पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब एक और बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और वो भी तब जब अमित शाह ने कोलकाता की धरती पर कदम रखा है। तो चलिए आपको बता दें कि कौन है ये दिग्गज नेता। टीएमसी के बैनर तले दो बार विधायक चुने गए सब्यसाची दत्ता हमेशा से ही भाजपा नेता मुकुल राय से करीबी को लेकर चर्चा में रहे हैं। कभी पूड़ी, कभी आलू दम, तो कभी खिचड़ी खाने को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब्यसाची दत्ता अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? इसकी वजह है बीजेपी से उनकी नजदीकियां। बीजेपी में शामिल होने से पहले ही सब्यसाची बीजेपी नेताओं के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा चुके थे, और यही वजह थी कि वो ममता दीदी की आंखों में खटक रहे थे। ममता बनर्जी से उनकी बातचीत तक बंद हो चुकी थी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। टीएमसी की बेरुखी से इस कदर आहत थे सब्यसाची कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो पहले से ही अमित शाह और मोदी के इतने मुरीद हो चुके थे कि अब उन्होंने खुलेआम बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। तो ये है अमित शाह का जलवा, जो पड़ोसी मुल्क में तो हलचल मचाता ही है, साथ ही विपक्षी खेमे में भी भूचाल जरूर ले आता है, जिसका नजराना आप सबके सामने है। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।